चलो भाई अब देखते हैं क्या बोलता है भाई। डॉक्टर ले गया भाई रईस मलिक, बहुत बुरा लग रहा है कसम से यार। ना चल नहीं सकती है, क्या हुआ है? दर्द क्यों हो रही, मतलब कोई रीज़न? नहीं यार, पेरेंट्स आए हैं साथ में। इसलिए आपका भाई हॉस्पिटल से बाहर आ चुका है, क्योंकि भाई डॉक्टर ने बोला एक आधा बंदा इसके पास रुको, तो मैंने रईस को बोला भाई तू रुक। तो भाई आपका भाई आगे बार, अब देखते हैं भाई क्या सीन आता है रिपोर्ट्स में। आज मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं खुश की राजा भाई, मजा आ गया आज की राइड पे यार। खतरनाक भाई, जितनी पारुल पहले बीमार थी ना उससे ज्यादा। ओ भाई पहले वो कम बीमार थी, तूने ज्यादा बीमार कर देना उसको। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई पेट्रोल पंप से, और वो देखो भाई सामने आपको रईस मलिक भी दिख रहा होगा, और भाई अभी रईस की बाइक भी दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तो भाई पहले ना हम फ्यूल अप करवा लेते हैं। मैं डाल दो भाई, फुल कर दो। तो गाइस मतलब इतना ज़्यादा तेल पीते ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो वो देखो भाई सामने रईस की बाइक है, मैं सोच रहा हूँ फटाफट वहाँ पे जाऊँ और आपको उसकी बाइक की लुक दिखाऊँ। भाई रात को चलाई थी, बट भाई इतनी ज़्यादा नहीं चलाई थी क्योंकि भाई रात को ना अंधेरा था, इतने ज़्यादा अच्छे से चला नहीं पाया। बट अभी ना भाई बहुत तगड़ा सीन रहने वाला है भाई, आज होने वाली हाइपर राइड। और भाई बीच में ना एक और थोड़ा सा सीन बन गया, वो आपको मैं पहले दिखाता हूँ। पहले देखते हैं भाई कितने की टैंक फुल होता है। 700-800 का तो हो गया भाई। भाई बहुत ज़्यादा तेल पीती है ये बाइक यार कसम से। मतलब RR 310 होती थी ना भाई, फुल करवाता था भाई 5-6 दिन आराम से निकल जाते थे भाई, इससे गिन के 3 दिन निकाल पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। 1300 का हो गया, 1320 का कर दो, 20 का कर दो। हाँ ठीक है, ओके सर। तो कैसे देख रहे हो कितनी बारी भाई फुल करानी पड़ती है। चलो क्या करना, शौक पाल लिया तो भाई पैसे भी पालने पड़ेंगे। कर दो भाई स्कैन। भाई कभी कभी मैं ये सोचता हूँ तेल वगैरह जब मैं डलवा लेता हूँ, अगर भाई मेरे पास पैसे ही ना हो, मतलब मोबाइल शोबाइल घर पे रह जाए तो क्या सीन होगा। तो चलो भाई हो जाएगी पेमेंट, अभी हो गई है पेमेंट। और ऐसे ही भाई बाइक लेके जाता हूँ रईस के पास, 1300 रुपये का भाई तेल डलवा लिया। देखो भाई टैंक हो चुके हैं फुल, रईस मलिक आ चुके हैं भाई अपने। तो भाई देखो भाई बाइक दिखाने के लिए बेताब हूँ तब से मैं भाई, और भाई अच्छे से दिखाता हूँ उतर के एक बारी। तो इंट्रो भी कर लेते हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा DC। तो गाइस एक बारी बाइक चेक कर लो भाई, 1290 होती है ना भाई, वो लग रही है भाई 1290 लग रही है ये, है ना 1290 लग रही है ना ये। तो भाई देखो क्या क्या फीचर्स है वो रईस आपको बताएगा, और जब मैं चलाऊंगा मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे ड्यू को लेके नहीं है। बट बाइक ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, आप भी कमेंट करके बता देना भाई बाइक ऐसी है। और ये रही भाई अपनी 6R। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, और अभी ये भी बता देता हूँ कि भाई हम जाने कहाँ वाले हैं। तो चलो भाई पहले इधर से निकलते हैं, फिर बताता हूँ भाई क्या सीन रहता है। गाइस आज बगाएंगे भाई हम रईस की बाइक के साथ बाइक, और देखते हैं भाई क्या सीन्स रहते हैं भाई। अगर मैंने RR 310 लाई होती ना भाई, फिर तो और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि भाई आपको पता है ये सुपर बाइक है, सुपर बाइक के साथ सुपर बाइक का मजा आता है। बट भाई वो भी सुपर बाइक से कम नहीं लग रही भाई देखने को। तो चलो भाई बगाते हैं भाई रईस मलिक के साथ। बहुत सारे बंदे ना भाई हाइपर राइड जो मिस कर रहे थे, और मैंने आपको जैसे बोलता भाई रईस आएगा और अपना कोई भी दोस्त आएगा तो भाई फिर तबाही राइड होने वाली है स्टार्ट। तो चलो भाई लेट्स गो भाई कसम से। बट इस बाइक की लुक इतनी ज्यादा प्यारी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता ऑन रोड क्या प्यारी लग रही है यार। और भाई अब मजा आने वाला है, और अभी आपको मैं बताऊंगा कि भाई मैं जा कहां पे रहा हूं यार। बॉम यार, बॉम भाई खतरनाक। ओ भाई रईस आगे चले गया, इधर से हमने अंदर जाना था वो भी कंफ्यूज हो गया, अब आएगा भाई वापस। उसने सोचा शायद से आगे से अंदर होना है, बट इसको थोड़े बहुत ना रास्ते अब याद हो ही गए हैं, तो इससे वो कंफ्यूज हो गया यार। तो गाइस अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं कहाँ पे जा रहा हूँ भाई। थोड़ी सैड न्यूज़ भी है भाई, जैसे आपको मैंने बोला था कि भाई पारुल भाई घर गई है, बट वो आ गई है वापस। बट भाई थोड़ा सीन हुआ है, वो मैं आपको जाके बताऊंगा। अगर ऐसे बताऊंगा तो आप सोचेंगे उनको पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। बट चलो कोई पहले ना हम रेस करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं भाई। देख रहे हो पिकअप, देख रहे हो उसका भाई बाइक का। भाई पिकअप में वो भी गोली है भाई, वो भी ड्यूक। और भाई इसकी बाइक ना 180 गई थी रईस की, वो भी विदाउट सर्विस भाई, मैंने इसका व्लॉग चेक किया था। तो भाई मैं कह रहा हूँ अगर इस बाइक में 600 सीसी का इंजन दे देते ना KTM वाले, तो भाई फिर तो पूरी टक्कर देती है सुपर बाइक को।
बट चलो कोई भी नहीं, ऐसे भी तो आपको पता भाई रेस कैसी चलाता है, बॉम्ब भी चलाता है भाई। और अब आने वाले वो वाले दिन जो हम करेंगे हाइपर राइड्स भाई वापस से शुरू, और जल्दी हम दिल्ली भी जाने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और वहां पे भी हमारे थोड़े से भाई वेट करें जैसे आपको मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था यार। चलो छोड़ो सारी बातों को, तो पहले मैं जा रहा हूं यहां से सीधा पारुल के पास, और अभी विनीत भाई हमारे साथ नहीं है क्योंकि विनीत भाई को ना थोड़ा बहुत कुछ काम था तो वो वहीं पे बिजी है। और भाई यार दशहरा था तो सबको पहले मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलो पहले चलते हैं भाई सीधा पारुल के पास, और अभी आपको मैं बताता हूँ भाई पारुल है कहाँ पे। इधर रशी बहुत ज्यादा भाई समझ नहीं आ रही, और भाई अभी ना आपका भाई ना बाइक खींच रहा था और सीधा ना भाई अंकल सीधा आगे आ गया भाई बिना देखे, और फिर भाई शुक्र करो मैंने बाइक रोक ली। फिर अंकल अचानक से डर गया, तो मैंने अंकल को बोला अंकल ना आप इधर देख रहे हो, सीधा आगे आ रहे, बोलता बच्चा सॉरी। वो बात नहीं होती सॉरी कि अगर गलती से मेरी बाइक टच हो जाती है, और जो लोग इधर रहते हैं ना उन्होंने सोचा था भाई सर के पास सुपर बाइक है पक्का यही तेज चल रहा होगा, तो भाई वहाँ में ना बड़े सीन हो जाते हैं। बट चलो भाई, और अभी मैं आपको बता ही देता हूँ कि भाई आज जा कहाँ पे रहूँ भाई। अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि भाई जैसे आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था परुल काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और घर चली गई थी। अभी चलते हैं हम अंदर, देखते हैं कैसे। और ये ना कि भाई अंकल हमें बोले हेलमेट उतारो रे बेटा। नमस्ते अंकल, कैसे हो? बढ़िया भाई। देखा मैंने पहले बातों में ले लिया कि अंकल को ध्यान ही ना जाए कि हेलमेट में कैमरा लगा है। राजा डीसी आपको पता है फिर भाई अंदर लोग बहुत ज़्यादा बैठे हैं भाई, टाइम देख रहे हो तो वो बैठे हैं। मैम कैसे हो? आपके चेहरे से लग नहीं रहा, क्या हुआ आपको? देख रहे स्पेशल रेस को भी लेके आया हूँ आपसे मिलाने के लिए, इसको जैसे पता चला पारुल बीमार है तो हुआ क्या है तेरी लातों को ज़रा बताना, चल नहीं सकती हैं, क्या हुआ है, दर्द क्यों हो रही, मतलब कोई रीज़न? नहीं यार पेरेंट्स आए हैं साथ में। बहुत सारे बंदे आए हैं साथ में, इसके पेरेंट्स भी आए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत सारे बंदे तेरे साथ आए हैं हमें पता है। तो कब करवाना है चेकअप वगैरह? तो मतलब लातों से चल क्यों नहीं पा रही है, मतलब क्या इशू? तो बता कुछ हमारी सब्सक्राइबर्स को, वो बेचारे सैड हो जाएंगे सारे, पारुल बीमार हो गई, मेरी बाइक से लगी है भाई। देख रहे हो आज कितनी शरीफ और सैड लग रही है बेचारी, मतलब इनोसेंट लग रही है, बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है बेचारी पे। तो क्या करें, हम जाएं यहाँ पे वेट करें, जूस पीना? कौन सा जूस पियोगे? तो कौन सा पीना बताओ ना, रियल कौन सा? ठीक है ओके, लाते हैं हम आपके लिए जूस। चलो गए जूस लेके आते हैं, और टाइम देखो भाई 4:52। चलो भाई अब देखते हैं क्या बोलता है भाई डॉक्टर, ले गया भाई रेस वाली, बहुत बुरा लग रहा है कसम से यार। फाइनली आपका भाई हॉस्पिटल से बाहर आ चुका है, क्योंकि भाई डॉक्टर ने बोला एक आधा बंदा इसके पास रुको, तो मैंने रेस को बोला भाई तू रुक, तो भाई आपका भाई आगे बार। अब देखते हैं भाई क्या सीन आता है रिपोर्ट्स में। तो भाई मेरे को ना हॉस्पिटल वगैरह से खुद बहुत डर लगता है, तो भाई आगे भाई पारुल और ये भी इनसे मिलाता हूँ आपको। देखो भाई कैसे आराम आराम से आ रहे हैं, तो गाइस देखते हैं क्या सीन होता है। बोल रहे थे डॉक्टर यार जूस तो पिला दें, हर टाइम मजाक मत किया करे। क्या बोला डॉक्टर ने इस बाबे? डॉक्टर ने तो कल वापस बुलाया चेकिंग, अब कल फिर आना पड़ेगा। हैं सरकारी में और होता है, प्राइवेट में एटलीस्ट। अच्छा चल एक काम कर, अगर तेरा मूड अच्छा नहीं हमारे साथ राइड वगैरह पे चल, आस्ता आस्ता चलेंगे थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा यार। तो जूस बाहर पिलाएंगे ना, हॉस्पिटल कहाँ पिला यार, बाहर तो माना कर। चला आज बाइक भी है तुझे, सीट के पीछे बैठने की भी जरूरत नहीं है, चंडीगढ़ वाली साइड चलते हैं वहाँ पे अच्छा सा जूस पिलाएंगे, बात मान लिया कर। इस बोल यार देख ले बाइक लाया रही से, देख ब्लू कलर की बाइक लाया तेरे, क्योंकि उसको पता है कि पारुल बेचारी बैठ नहीं पाती है पीछे। गए जिसका तो ना थोड़ा मूड चेंज करने की कोशिश करेंगे, बेचारी ना काफ़ी ज़्यादा बीमार है यार, इसको अपने साथ राइड वगैरह पे लेके जाते हैं, क्योंकि भाई जब अपना कोई दोस्त बीमार हो ना, और भाई अभी तो जैसे आपको मैंने उस दिन बोला था कि अभी अब व्लॉग वगैरह में नहीं आएगी क्योंकि भाई घर चले गई थी, बट अचानक से वापस भी आ गई भाई, कुछ पता नहीं चलता इसका क्या सीन रहता क्या नहीं। क्या हुआ? ओए हमारे साथ राइड पर चलेगी हाँ या ना? तो खिलाई पिलाएंगे इधर हॉस्पिटल से क्या खाएगी? बकरी है तू, बकरी से कम भी नहीं है। जब बोल रहे साथ चल बाहर चंडीगढ़ जाके कुछ खाएंगे, इधर क्या खाएंगे? हर चीज़ को प्रॉमिसेस करते सारे तोड़ते। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, चला
चल चल रही निकाल इसको बाबे। तो चलो गाइज निकलते यहाँ से भाई फटाफट, और मिलता हूँ आपको सीधा बाहर जाके। हम आ चुके अभी भाई हॉस्पिटल से बाहर। तो भाई मतलब डॉक्टर ने मतलब जितना मुझे रईस ने बताया कि एक तो बीपी वगैरह पता नहीं क्या लो था ये वो, और भाई मतलब क्या ही बताऊँ क्या क्या बोला मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि भाई मैं कम ही अपनी लाइफ में ना बीमार होता हूँ और ये सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। लड़कियाँ भाई पता क्या चक्कर होता है इनका बीमार होने का कारण, भाई ये जो फास्ट फूड खाते हैं ना भाई उसकी वजह से भाई इनका ये सीन होता है। और भाई ये इतना कुछ उल्टा सीधा खाती है ना, इसको बहुत बार हमने मना किया है बट क्या करे। और अभी देखो भाई रईस ने इसको भाई डराएगा आज, क्योंकि भाई रईस ने तो लाई है 390 और ये रईस को बोलती थी कि भाई मैं तो डरती वगैरह नहीं हूँ। तो भाई आज तो हाइपर राइड होगी और भाई जाएंगे हम चंडीगढ़ वाली साइड, वहाँ पे जाके भाई करेंगे थोड़ी बॉम्ब राइड। और हाँ गाइस मुझे अपने RR 310 की याद आ रही है, मैंने बोलना 6R था बट RR 310 भाई निकल रहा है, तो RR 310 के लिए भाई रुक जाओ मेरे को 6R के लिए भाई लेनी है चेन ऑयल, तो वो भी भाई चंडीगढ़ से लेंगे। तो चलो भाई गरीबो आओ रेस, हे गरीबो चलो। लग चुकी है भाई रेस न्यू 390 ड्यूक के साथ। ओ भाई भाई ये हाईवे ना किसी काम का नहीं लग रहा मेरे को, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बम्प है भाई। ओ ओ ओ ओ हो 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 रेस क्या निकला है भाई खतरनाक। पारुल पक्का डर रही होगी भाई आज, पारुल पक्का डर रही होगी। और आपको पता है भाई रेस ड्यूक चलाता कैसे है, वो देखो डरपोक भाई उसके फेस रिएक्शन चेक करो आप एक बारी, वो देखो डर गई। क्या हुआ क्या हुआ, आराम से क्यों, तूने रेस को लास्ट टाइम बोला तेरे को चलानी नहीं आती है, बीमार है तो क्या हुआ। हम वो वाले दोस्त नहीं जो बोलेंगे रेस्ट करो। सही बात है, ठंडी हवा लगा रही है ना, चलो पकड़ के बैठ गिर जाएगी। ओए रास्ता बताते रहे ना इसको, इसको आना मेरे पीछे बैठना था बट अब भाई मैं इसको अपने पीछे नहीं बिठाने वाला, क्योंकि भाई पहले तो मजबूरी होती थी क्योंकि मैं इसको कोर के बाइक ही होती थी। अब आ गया रईस तो बस अब पारुल की सीट पर रहने वाली है रईस के पीछे ही, मैं अब भाई बच गया पारुल से, इसने ना मेरा सीट का उल भी भाई तोड़ दिया है। तो अब तो भाई मुझे रईस के साथ बाइक भगाने का भी डेली मजा आने वाला है भाई। चलो भाई लेट्स गो बूम। भाई कितने खड्डे हैं भाई इस हाईवे पे, और रईस मलिक अभी भी भाई भगा रहा है भाई को। ओ पारुल भाई डर रही है आज भाई, नाके शाके भी हो सकते हैं यहाँ पे। और भाई वैसे भी आज दशहरा दिवाली तक तो भाई वैसे ट्रैफिक रहने वाला है बॉम्ब, और रईस को देखो कैसे निकल रहा है। भाई साला भाई तब से बेइज्जती हो रही है भाई, दो बारी पीछे कर गया साला ओवरटेक मार के, सोच रहा उनको जानबूझ के आगे नहीं निकल रहा है। ओ भाई भयंकर ट्रैफिक भाई, अब आने वाला है भाई मजा। ओ ओ ओ ओ खतरनाक यार भाई, सब ने यही वाली राइड्स मांग रहे थे, ये वाली कि भाई हाइपर राइड चाहिए, तो लो भाई हाइपर राइड देखो। रेस नहीं रुकने का नाम ले रहा यार, आज मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं खुश की राजा भाई, मजा आ गया आज की राइड पे यार। खतरनाक भाई, जितनी पारुल पहले बीमार थी ना उससे ज्यादा। ओ भाई पहले वो कम बीमार थी, तूने ज्यादा बीमार कर देना उसको। भाई वो सोच रहे होगी कैसे निकम्मे दोस्त लाइफ में पाले पड़े हैं, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करनी है, ये कुछ और ही करवा देंगे मेरे से। भाई पुलिस वालों से बच गए। शक्ल बहुत अच्छी है आपकी, तो यार डॉक्टर ने बोला रेस्ट करनी है, तो रेस्ट ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है। ओए पागल साले क्या बोल रहा है, देख ले मैं अपने पीछे बिठा दूं कितनी आस्त है, जब भी ये जम्मू से आता है ना तब भी मेरी रेस लगती है। बच्ची हूं ना, हाँ
नहीं होती खत्म, तू टेंशन ले, बस पकड़ के बैठ रही इसको, उठना चाहे गैस। एक तो दिहाड़ी मांगते, कल से मैं और रईस इसको रोज हजार हजार रुपए देंगे, काफी है 30 दिन, 30 दिन के 60,000 रुपए, ठीक है, डन डन डन। ओ भाई भाई आराम से चलना भाई, पुलिस वाले भी हो सकते हैं भाई, दिहाड़ी मांग रही है। मैंने बोला रईस और मैं देखो 1000-1000 रुपीज देंगे और तू आराम से भाई 60,000 रुपया कमा लेना भाई। इतना ट्रैफिक ना दशहरे की वजह से लग रहा है मेरे को। भाई रईस है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, वो देखो खतरनाक तरीके से निकल रहा है भाई ये, और इसके चक्कर में मेरे को भी बाइक भगानी पड़ रही है। बड़े दिनों से ना मैंने अपने हाथों को ना कंट्रोल में रखा हुआ था, बट अब ये बंदे आके करवा देंगे मेरे को खराब। बड़े दिनों से आपको पता है आपको भाई स्लो 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 राइड कर रहा था, और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी थे जो बोल रहे थे राजा भाई ये क्या कर रहे हो, इतनी दूर ला के बोल रही मुझे रास्ता नहीं पता। अच्छा तू एक बार इधर उधर देख ले, लेफ्ट राइट देख ले कि हमें जाना कहाँ पे है। चल ठीक है, जाओ 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 आंटी जी जाओ। बाकी सब ठीक है, पुलिस वालों से बच के रहना। नई बाइक है भाई तेरी? मेरी तो क्या बोलूं, अपनी तो बचा ही लूंगा। कैसे आज दोनों बंदे मिलकर ना मेरे को मार रहे हैं, लड़की के पीछे लग के गिरदारी कर रहा साले। कोई कोई तंग लाती है, एक काम कर फेंक दे इसको, फेंक दे फेंक दे। वही वो देख रहे हो, वो देखो वही रेस को तंग किया आज पारुल ने भाई, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। वो देखो देखो वो ये गिराएगा उसको, बाद में मुझे उठाना पड़ेगा कि उठो उठो कुछ नहीं हुआ। ओ भाई क्या है यार ये सच में भाई, छोटी सी है बट क्या तंग करती है कसम से यार। मेरा प्लान हो गया भाई चेंज, क्योंकि भाई अभी हमने सोचा था सुखना लेक जाएंगे, बट भाई पारुल को ना पीछे रावण दिख गया, और ये बोल रहे भाई रावण देख लो राजस्थान, जो रईस को तंग किया हुआ ना भाई वो देखो भाई। गाड़ी वाले ने इशारा कर रहे हैं भाई, हाँ जी आ जाओ आ जाओ सर आ जाओ। राजा भाई कैसे हो भाई? बढ़िया, और वैसे कैसे हो, ठीक हो? और भाई जी किदा हो, वधिया बढ़िया भाई। और कहाँ से, चंडीगढ़ से? हाँ भाई मैं चंडीगढ़ से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो भैया कैसे हो सर? बढ़िया। हेलो सर जी, हम तो गाड़ी का शीशा चेंज करवा रहे थे, आपको देख रहा हूं नाक टूट गया है। अच्छा 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 अच्छा, शीशा कैसे टूट गया? पुलदर ने ईंट मारी है, हमने पुलदर। हां जी, किसी ने उन्हें शीशे पे पत्थर मारा भाई, ये पर की 12-13 की यार। प्लान तो मेरा भी प्लान आ रहा है। जी जी जी, चलो कोई बात नहीं भाई, अभी हम रावण ही देखने जा रहे हैं, मिलते फ्री हो गए। अभी ना आपको रावण दिखाता हूँ, और यहाँ पे ना मैं अपनी बाइक की ना आवाज़ थोड़ी कम कर लूँगा कि बहुत सारे पुलिस वाले हैं। और भाई देखो कितने सारे रावण हैं भाई यहाँ पे, 1 2 भाई वो देख रहे हो सामने, शफकत होता ना भाई, शफकत के साथ मज़ा आता मेरे को यार, शफकत तो है नहीं यहाँ पे। तो कैसे चेक कर लो भाई आप सामने, 1 2 3 4 भाई वो बड़े वाले सबसे बीच में लगे हैं 2, और भाई जब वो अभी धमाका होगा ना रईस, खतरनाक यार, मज़ा आने वाला है। वही हमारा प्लान तो नहीं था इधर आने का, बट चलो सामने तो है तो दिखा तो रहा हूँ। सीता है तू, सॉरी गैस, वो रावण वहाँ पे, वो है पीछे रावण। अच्छा यार ये फटेगा कब यार, वो तो बता कब है? हर चीज फट जाती है। गाइस आगे सब 1 घंटा हो गया यहाँ पे घूमते हुए, बट कुछ भी नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे। चल इसमें बैठ के चले जा, तू बेस गंद को भी ले जाओ, पारुल छोड़ भाई इसको ले जाएगा। ओए शर्ट देख रहे हैं लोग यार, क्या इंसान है तू यार। ओ यार काटेगा तू भी गर्लफ्रेंड का फोन अब? गाइस एक तो उसकी भी गर्लफ्रेंड बन गई है तो गैस देखो लड़ाई, वो उसकी गर्लफ्रेंड के सामने बोल रही है बोल मत। क्या हुआ? खिंचवाओ खिंचवाओ यार आ जाओ, चल रहा है शूट भाई, खिंचवा ली फोटोज
आ जाओ मुझे पहले ना बाइक निकाल लूँ यहाँ से, बाद में पुलिस वाले आ गए ना पीछे नंबर प्लेट नहीं है, तो भाई जैसे उधर रावण की वाट लगेगी उसके बाद मेरी लग जाएगी। और रईस ने भी नंबर प्लेट नहीं लगाई है, दोनों फंसेंगे। आओ भाई जल्दी आ जाओ भाई, इतने सारे सब्सक्राइबर यहाँ पे भी अपने मिल गया ना भाई, क्या बताऊँ भाई, जल्दी आ रहा मेरा भाई यार। तो भाई अभी हम इधर से थोड़ी देर तक निकलेंगे, बट भाई ये फटरे का नाम लेना पता नहीं कब फटेंगे। और एक इसको देखो, अभी हारन कहाँ से आए हो, अभी हारन कहाँ से आए हो, हुआ आप तो पारू लो, मैंने सोचा पता नहीं कौन है इधर भाई घूम रहा है, वो तेरा कैमरा खराब कर देगी, उसने ऑन की है वीडियो। भाई देखो रईस भी तंग हो गया, रईस के फेस को देखो एक बारी परेशान हो गया भाई, यही दिन मेरे साथ भी भाई बीत रहे थे। हेट भाई तू है, तू तंग करती है उसको, वो गोला जो तू उसको टक टक करती है। तो गाइस पारुल देख रहे हो हमारी सेवा कर रही है भाई, आइसक्रीम लेके आई है और रईस के लिए पता नहीं कौन सी लाई, देखते और अपने लिए नहीं लेके आई, बोलती मैं बीमार हूँ। शुक्र है भाई इतना तो उसको पता है कि खुद नहीं खानी। शुक्र है इतनी अकल है कि आइसक्रीम नहीं खानी, बीमार हूँ, अगर खाती तो फितर को पिटाई होती हमसे। खतरनाक भाई, अभी तीन और हैं गाइस, अब लग रही है मेन वाले को। ओके सर, ओके साइड हो जाओ। तो गए चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। कहाँ पे भाई रईस? और भाई अब इतने सारे लोग हैं ना भाई, जैसे ना हमें फटाफट निकलना होगा, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा पुलिस वाले हो गए ना तो फिर भाई बाइक को रोक लेंगे। और रईस की ना पीछे बाइक फंस गई है यार भाई देख रहे हो, चलना यार, हंस क्यों रहे हो, तू चाहती है पुलिस वाले आए ना भाई, देख रहे हो अगर मैंने अभी थ्रॉटल मार रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे चलाने लग जाएंगे, पुलिस वाले आस पास में ही हैं, तो आपको ये आस्ता ही चलेगा। अरे चल चल, पुलिस वाले आ जाएंगे। भाई देख रहे हो क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं भाई को, भाई रईस की बाइक को क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं भाई, और पुलिस वाले भी आगे हमारा वेट कर रहे होंगे। तो भाई निकलते हैं आराम से यहाँ से भाई, भाई हरे हरे पुलिस वाले जल्दी निकल ले। जब हम फाइनली सब कुछ देख के निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं भाई कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भाई रईस को और पारुल को लगी है बहुत सारी भूख, और मैंने तो भाई दोपहर को ना बहुत कुछ खा लिया था, देन जूस भी पिया था भाई एक बड़ा सा गिलास, और इन दोनों को बड़ी भूख लगी है, तो बोल रहे राजे तू चल, मैंने बोला छोड़ो पहले घर चलते तब खाएंगे, बोलते नहीं नहीं हमें अभी जाना है, तो मैंने बोला चलो ठीक है अभी चलो। और भाई आपको पता है जिस दिन मैं जम्मू से आया था ना, मुझे यहाँ पे ना पुलिस वालों ने ना रोका था, तो ये दंगर से ना वापस इधर खड़े हो गए हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं विनीत भाई के लिए केक लेने, जैसे कि उनके भाई 20 के हो गए, तो भाई हमने सोचा क्यों ना भाई अपनी तरफ से ना उनको एक केक दे देते हैं, क्योंकि भाई सच बोलूँ तो बहुत मेहनत करते हैं, तो भाई हमारे साथ भी रहते हैं, तो इसलिए भाई हम सोच रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा केक लिया जाए, जिससे भाई उनको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ 20 के पे केक मिला, 30 के पे पता नहीं क्या मिलेगा। तो चलो जो भी केक लेते हैं फटाफट डिसाइड करके देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। पहले हमने ये वाला केक किया है, और भी इसके ऊपर लिख देना 20, वो रईस लिखवा देगा, रईस लिखवा देना ऊपर जो लिखा।
क्या बोल रही है इधर कैमरे में बोलना, इधर 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 रो, इधर कैमरे में रो ना फिर मजा आता है, इधर एक सामने आके रो, कैमरे में रो ना, कैमरे में रो। मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए तेरा, क्या हुआ है? गाइस इसके भी बन के करवाओ, इसका चैनल है पारुल गुप्ता व्लॉग्स, पारुल गुप्ता व्लॉग्स, चल दिखाना। तो गाइस चलो यार आज ना पारुल के भी जाके ना सब्सक्राइब कर दो, जिस दिन मैं बोलूंगा तब करना, बट आज भी थोड़े बहुत करना, ज्यादा नहीं, नहीं जी, मेरे आज नहीं करने हैं। हाँ तो गाइस इसका मैं इसको चैनल दिखाता हूँ, दिखा। ओए आता है चलाना यूट्यूब, भाई 969 हो गए, जाओ इसके भी 10-20 के कराओ यार, पारुल गुप्ता चैनल है भाई, पारुल गुप्ता। हैप्पी बर्थडे। तो भाई लगे केक खोलने के लिए, सबसे पहले भाई को भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, जैसे भाई 20 की हुआ वैसे फटाफट 30 के भी हो जाए, ठीक है, जल्दी जल्दी करने बाप ने, ठीक है। तो चलो गाइस अभी केक वगैरह काट देते हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है।